संत दादू नगर से निकलकर कहीं वन में चले गए। वन में जाकर दादू ने विचार किया कि जब मैं नगर में रहता था तो कुछ सेवा करता था, यहां वन में क्या करूं। और दादू ने विचार किया कि मार्ग के जितने पत्थर हैं, कांटे हैं, इन्हें ही अगर हटा दूंगा और कोई पथिक इधर से निकलेगा तो उसकी सेवा हो जाएगी। दादू मार्ग के पत्थर कांटे बीनने लगे और उधर नगर के कोतवाल को पता चला, दादू की प्रसिद्धि फैल रही थी। नगर का कोतवाल दादू के पास दीक्षा लेने आया। नगर के कोतवाल को पता चला कि दादू ने तो नगर छोड़ दिया है। दादू को ढूंढता हुआ वन में आया और वन में आकर देखा कि एक व्यक्ति मार्ग के पत्थर और कांटों को निकाल रहा है। उन्होंने दादू से पूछा कि दादू का आश्रम कहाँ है। दादू बिल्कुल मौन रहे। नगर के कोतवाल ने फिर पूछा कि बताओ दादू का आश्रम कहाँ है। दादू तब भी मौन रहे। फिर नगर के कोतवाल ने डांटते हुए कहा कि मैं इस नगर का कोतवाल हूं और तुम्हारे से पूछ रहा हूं कि दादू का आश्रम कहाँ है, दादू का आश्रम बताओ। दादू बिल्कुल मौन रहे। नगर के कोतवाल को क्रोध हुआ और उसने अपना चाबुक निकालकर चार पांच चाबुक दादू को मारे। दादू के वस्त्र फट गए, शरीर से रक्त बहने लगा, दादू गिर गए। कोतवाल को लगा कि वो शायद गूंगा होगा या पागल होगा जो मेरी बात समझता नहीं। और कोतवाल घोड़े पर बैठकर आगे के गांव की ओर बढ़ गया। गांव में जाकर लोगों से पूछा, तुम्हें पता है दादू का आश्रम कहाँ है, दादू कहाँ रहते हैं। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा कि आप किस मार्ग से आए। कहा इस मार्ग से। मार्ग में आपको एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ नहीं मिला जो मार्ग के पत्थर और कांटे हटाता हो। कहा हाँ मिला था एक पागल। बोले वही तो दादू है। नगर का कोतवाल लौट कर आया और दादू के चरणों में गिर गया। कहा बाबा मैंने आपसे कितनी बार पूछा कि दादू का आश्रम कहाँ है, दादू का आश्रम कहाँ है, लेकिन आप कुछ बोले नहीं क्यों। मैंने आपको चाबुक से मारा भी, मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें, लेकिन आप कुछ बोले क्यों नहीं। तब दादू ने कहा कि पहले तुम मुझे देख तो ले, मुझे ठीक से समझ तो ले, मैं तुझे कितनी दूर तक सहन कर सकता हूं। तो हमारे यहां गुरु परंपरा का सूत्र यही है कि पहले चाबुक मारो फिर कंठी लो। गुरु तुम्हें बहुत दूर तक सहन करता है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। जो तुम्हें सब प्रकार से सहन कर सकता हो बस उसका नाम ही गुरु है, वही सही गुरु है।